जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस पे बेस्ड है और क्या टॉपिक है इसका, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि सर गोरखपुर से जो भी फ्लाइट छोड़ती हैं उनके क्या डिटेल्स हैं, उनके क्या टाइमिंग है, क्या डिपार्चर है। तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि हमारा कि गोरखपुर से कौन कौन सी फ्लाइट उड़ती हैं और कहाँ के लिए उड़ती हैं, उनकी क्या टाइमिंग है, क्या उनका शेड्यूल्ड है, जो भी उसका डिटेल है मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको। और वीडियो को आखिरी तक आप लोग देखिए क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो भी फ्लाइट्स यहाँ पे उड़ रही हैं उनकी चीपेस्ट फेयर और उनकी चीपेस्ट प्राइस कैसे बुक करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम टू ई विद्यालय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई विद्यालय पे। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ अपने चैनल ई विद्यालय पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बता रहा हूँ कि गोरखपुर से उड़ने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं और कहाँ कहाँ के लिए फ्लाइट्स हैं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल पे आज नया है और जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है और ये चैनल पे पहली बार विजिट किया है, वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को कम से कम 1000 यानी कि 1K लाइक्स जरूर दें और हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गोरखपुर से करीब करीब 8 फ्लाइट्स रोजाना के तौर पे उड़ रही हैं और इनमें से कुछ कॉमन फ्लाइट्स भी हैं। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पाइस जेट और इंडिगो की मैक्सिमम फ्लाइट्स यहाँ से उड़ रही हैं और स्पाइस जेट की करीब 3 फ्लाइट्स रोजाना के तौर पे उड़ रही हैं और इंडिगो की करीब 2 फ्लाइट्स रोजाना के तौर पे उड़ रही हैं। तो दोस्तों मैं डिटेल के साथ एक एक फ्लाइट्स का जो शेड्यूल है, जो अराइवल टाइम है, जो डिपार्चर टाइम है, सब कुछ मैं यहाँ बता दूंगा आपसे। और आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं और मैं इसके सारी डिटेल्स को मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लिए स्पाइसजेट की जो फ्लाइट है वो करीब 12:55 पे दोपहर में है और ये इसका अराइवल टाइम है 12:55 पे और इसका डिपार्चर टाइम है 1:25 पे। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं। और दिल्ली के लिए, गोरखपुर से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट है वो करीब 11 सुबह में है, 11:10 पे उसकी अराइवल है और उसका डिपार्चर जो है वो करीब 11:40 पे है दोपहर में। तो दोस्तों तीसरी फ्लाइट दिल्ली के लिए है, गोरखपुर से दिल्ली के लिए अलायंस एयर की है, वो करीब 3:30 दोपहर में है और उसका जो डिपार्चर टाइम है वो 4 है। ठीक है दोस्तों, और यहां से चौथी फ्लाइट है वो स्पाइस जेट की है और वो मुंबई के लिए है, उसका अराइवल टाइम है 2:30 यानी दोपहर में 2:30 पे और उसका डिपार्चर टाइम 15:10 यानी 3:10 दोपहर में है। दोस्तों पांचवी फ्लाइट का शेड्यूल है वो कोलकाता के लिए है और वो इंडिगो एयरलाइंस की है, तो इसका अराइवल टाइम है करीब 4 और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन वो फ्लाइट 12:35 पे दोपहर में 12:35 पे उसका डिपार्चर है। ठीक है दोस्तों, तो छठी फ्लाइट के बारे में बात कर रहा हूं, वो इंडिगो की है और वो हैदराबाद के लिए है, गोरखपुर से हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट 12 दोपहर में है, उसका अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम 4:30 पे है। ठीक है दोस्तों, और सातवीं फ्लाइट के बारे में बात करें तो गोरखपुर से बेंगलुरु के लिए है, वो इंडिगो की फ्लाइट है और वो दोपहर में 1:45 पे अराइवल है और 2:15 पे उसका डिपार्चर टाइम है। ठीक है दोस्तों, और आखिरी फ्लाइट मुंबई के लिए है, वो स्पाइसजेट की ही है, वो दूसरी फ्लाइट है और उसकी उसका अराइवल टाइम है 4:30 शाम को और उसका डिपार्चर टाइम है 5। तो ये सारे शेड्यूल थे जितने भी फ्लाइट्स यहाँ से उड़ रही हैं और कहाँ कहाँ के लिए उड़ रही हैं। वो मोस्टली दिल्ली और मुंबई के लिए ज्यादातर फ्लाइट है और हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए करीब 3 फ्लाइट्स हैं। तो आप उनको देख सकते हैं और इनका जो भी अराइवल और डिपार्चर टाइम है मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत में बता रहा था कि कैसे गोरखपुर से अदर सिटीज के लिए आप कैसे चीपेस्ट फेयर बुक करें। तो इसके लिए मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहता हूं कि मैं एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं, मैं पेड नहीं हूं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं उसका, फिर भी मैं उसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि मैं ये किया हुआ हूं। और आप यहां से इस वेबसाइट पे जाके आप गोरखपुर से कहीं के लिए भी
मोस्ट प्रोबेबली जहां का मैंने नाम लिया है वहां के लिए आप चीपेस्ट फेयर में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। उसका नाम है स्काई स्कैनर, और स्काई स्कैनर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक, वेबसाइट का और ऐप का, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों स्काई स्कैनर की खास बात यह है कि आप अपना डेस्टिनेशन पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट में एनीवेयर करके भी एक ऑप्शन आता है, आप एनीवेयर करके चूज करेंगे तो आपके सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट कहीं का भी वो मल्टीपल सिटीज का फेयर आपको दे देगा और लोएस्ट फेयर देगा। वहां से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जितना भी फेयर आज के डेट में रहेगा उससे कम ही रेट पे वहां पे फेयर दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज मैं एक बार और कहूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो वीडियो ये गोरखपुर से जितने भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं प्लीज अपने दोस्तों अपने कलीग्स को शेयर करें, क्योंकि उनको हेल्प मिल सकता है इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें। जय हिंद जय भारत।